हेलो डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अकाउंट्स मास्टर जी क्लास इलेवेंथ एम सी क्यू मैराथन सीरीज के पहले वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और उसके हमने दस एम सी क्यू कर लिए थे तो आज इलेवेंथ से कंटिन्यू करते हैं तो एलेवेंथ क्वेश्चन है आपका विच इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्यों अकाउंटिंग की जाती है आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं इसलिए आप अकाउंटिंग करते हैं आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानना होता है साल भर का इसलिए आप अकाउंटिंग करते हैं अकाउंटिंग से मैनेजमेंट को हेल्प होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आप यूजर को शेयर करते हैं यूजर भी आपके दो तरीके के होते हैं इंटरनल यूजर एक्सटर्नल यूजर इसके अलावा आप अकाउंटिंग करते हैं सो so देट आपके बिजनेस के एसेट सिक्योर रहें बिकॉज आपके पास उसके रिकॉर्ड्स होते हैं एसेट वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं महंगी होती हैं तो क्योंकि आप अकाउंटिंग करते हैं तो आपके पास उसके सारे रिकॉर्ड्स होते हैं तो वो प्रोटेक्टेड रहते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपका ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का तो देखते हैं इस ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टू असरटेन द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ बिजनेस और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबो तो यहाँ पर ए बी सी तीनों ही सही है इसलिए करेक्ट अल्टरनेटिव क्या होगा आपका ऑप्शन क्या होगा आपका डी दैट इज़ ऑल ऑफ द अबो ट्वेल्थ में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटरनल यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनल यूजर पहले होता कौन है सर इंटरनल यूजर वो होता है जिसके पास आपके बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का एक्सेस होता है मतलब जो आपके बिज़नेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को आसानी से देख सकता है और ऐसे सिर्फ दो लोगों को ही इंटरनल यूजर में काउंट किया जाता है एक जो आपके बिजनेस का ओनर है जिसके बिजनेस में पैसे लगे हैं और दूसरा जो बिजनेस का मैनेजमेंट है इनके अलावा हम सभी को एक्सटर्नल यूज़र मानते हैं तो ऑप्शन देखते हैं बी ये मैनेजमेंट में है इंटरनल यूजर है मैनेजर मैनेजमेंट में है इंटरनल यूजर है एम्प्लॉयिज़ सर एम्प्लॉयज तो बिजनेस में काम करते हैं इनको हमें इंटरनल यूजर माना चाहिए आंसर होगा नहीं बिकॉज एम्प्लॉयज को अकाउंटिंग रिकॉर्ड का एक्सेस नहीं मिलता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड का एक्सेस जिनको मिलता है वही इंटरनल यूजर है दैट्स वाई यहां पर आपके एम्प्लॉयज को हम नहीं मानेंगे इंटरनल यूजर तो ट्वेल्थ का आंसर हो जाएगा आपका सी थर्टींथ में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग का जो करेक्टिस्टिक्स है ना वो जो हमने अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ा था वही है अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है सर आप आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन को फिर इसको मेजर करते हैं रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में क्लासीफाई करते हैं लेजर में समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस बना के ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाकर बैलेंस शीट बनाकर आप उसको एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं एंड एट दी एंड आप कम्युनिकेट करते हैं इसको यूजर को तो जो टॉपिक है ना आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग प्रोसेस बोथ आर सेम और अभी हमने वन बाय वन देख लिया अब इनमें से कौन सा ऐसी चीज है जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है या जो अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं है तो यहां लिखा हुआ है पहले ऑप्शन में रिकॉर्डिंग नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन यही आपका हो गया क्योंकि अकाउंट में आप नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन को क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड नहीं करते हैं ठीक है क्लासीफाई समराइजिंग एनालिसिस करना ये आपके अकाउंटिंग का कैरेटरिस्टिक्स होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इसमें से लिमिटेशन क्या है अकाउंटिंग करने का कुछ डिसएडवांटेजेस क्या है तो लिमिटेशन बहुत सारी होती हैं जैसे अकाउंटिंग फुली एग्जैक्ट नहीं होता क्योंकि एस्टिमेट बेसिस पे होता है इसलिए अनरियलिस्टिक भी होता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को वो इग्नोर करके चलता है प्राइस लेवल चेंजेस को वो इग्नोर करके चलता है अकाउंटिंग में अकाउंटेंट जो है विंडो ड्रेसिंग भी कर सकता है दैट इज मैनिपुलेट कर सकता है अकाउंटिंग डाटा को ये सारी चीज़ें लिमिटेशन होती हैं तो यहां पर देखते हैं गिवन ऑप्शन में कौन सा लिमिटेशन है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट ये तो लिमिटेशन नहीं एडवांटेज लग रहा है रिप्लेसेस मेमोरी ये भी एडवांटेज लग रहा है अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन ये आपका लिमिटेशन है अकाउंटिंग का और एविडेंस इन कोर्ट ये तो एडवांटेज है तो आपका फोर्टीन का आंसर क्या होगा सी फिफ्टींथ में आते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इज डिटर्मन बाय अकाउंटिंग के तीन ब्रांच होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसका काम होता है रिकॉर्ड्स मेंटेन करना प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाना कॉस्ट अकाउंटिंग जिसका काम होता है जो भी आप गुड्स बनाते हैं या सर्विसेज आप देते हैं उसकी कॉस्ट निकाल कर देना और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कि हेल्प करता है मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में तो यहां पर क्वेश्चन क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तो ये कौन सा ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग निकालता होगा तो सीधा आंसर आ जाएगा आपका कॉस्ट अकाउंटिंग जो आपका ऑप्शन नंबर बी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी नहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी नहीं और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मतलब जो एच आर डिपार्टमेंट होता है उससे रिलेटेड जो अकाउंटिंग की जाती है तो हमको तो पूछा कॉस्ट ऑफ गुड्स कौन निकाल कर देता है तो कॉस्ट अकाउंटिंग निकाल कर देता है सिक्सटीन क्वेश्चन है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड क्वालिटेटिव मतलब अगर आप अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो आपका अकाउंट्स होना कैसे चाहिए तो यहाँ पर चार बातें की गई थी रिलायबल होना चाहिए भरोसे के लायक होना चाहिए रेलिवेंट होना चाहिए खाली ज़रूरी बातें करें इधर उधर की बातें ना करें अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए इतना आसान होना चाहिए कि कोई भी यूज़र चाहे वो इंटरनल यूजर हो या एक्सटर्नल यूजर हो उसको समझ पाए और कंपेरेबल होना चाहिए इस फॉर्मेट में होना चाहिए कि आप अपने ही बिज़नेस का इस साल का प्रॉफिट लॉस अकाउंट को पिछले साल के प्रॉफिट लॉस अकाउंट से टैली कर पाएं या फिर आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उस इंडस्ट्री की किसी दूसरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच कर पाए कंपेयर कर पाएं ये चार चीजें ही क्वालिटेटिव कैरेटरिस्टिक्स होती हैं अकाउंटिंग की और ए बी में ये दोनों बातें कवर हो गई हैं और सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी दैट इज बोथ ए एंड बी सेवेंटीन में आते हैं विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव ऑफ अकाउंटिंग तो अभी हमने देख लिया चार चीजें होती हैं कौन कौन सी चार चीजें रिलायबिलिटी रिलेवेंसी अंडरस्टैंडेबिलिटी कंपेबिलिटी तो यहां पर जो मटेरियलिटी दिख रहा है वो आपका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के हिसाब से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नहीं होता ठीक है तो आपका सेवनटींथ का आंसर होगा डी एटीन में आते हैं यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट यह क्या कह रहा है कि जो आपका अकाउंटिंग स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ पी एल है प्रॉफिट लॉस है ट्रेडिंग अकाउंट है बैलेंस शीट है इसमें आप कॉमन फॉर्मेट यूज करें जो बाकी लोग भी यूज कर रहे हैं यह किस क्वालिटेटिव कैरेटरिस्टिक्स का नेचर है तो इसका आंसर क्या होगा रिलायबिलिटी सॉरी सॉरी रिटी नहीं आपका कंपेरेबिलिटी क्या आप कंपेयर कर पाओगे दो मोबाइल कंपनियां हैं दोनों एक तरह से ही अपना ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाती है तो किसी बाहर वाले व्यक्ति के लिए जो दोनों कंपनी में से किसी एक कंपनी में शेयर में पैसे लगाना चाहता है वो आसानी से कंपेयर कब कर पाएगा जब दोनों का ही ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का तरीका प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने का तरीका और बैलेंस शीट बनाने का तरीका सेम हो तो एटींथ का आपका आंसर क्या होगा कंपेरेबिलिटी यहां पर हमको हिंट कहां से मिलता है कॉमन फॉर्मेट से मिलता है नाइनटीन्थ में आते हैं विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड वेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आप क्लियरली दो सबको आसानी से समझ में आ जाए तो ये तो नाम से समझ में आ रहा है इसका आंसर आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर डी अंडरस्टेंडेबिलिटी कि सबके लिए उसको समझना आसान हो टेंथ में ट्वेंटी में आते हैं इन्फॉर्मेशन इज मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग लॉन्ग टर्म सोलवेंसी पोजिशन ऑफ द बिजनेस तो पहले तो एक बार रिवाइज करते हैं कौन कौन से आपके एक्सटर्नल यूजर होते हैं आपके एम्प्लॉय एक्सटर्नल यूजर होते हैं बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सटर्नल यूजर होते हैं इन्वेस्टर आपके एक्सटर्नल यूजर होते हैं जो आपकी कंपनी में पैसा लगाने वाले हैं बिजनेस में पैसा लगाने वाले हैं क्रेडिटर्स जिससे आप उधारी में सामान खरीदते हैं वो एक्सटर्नल यूजर होते हैं गवर्नमेंट एक्सटर्नल यूजर होती है गवर्नमेंट हमसे हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों मांगती है सो so दैट जो हमने टैक्स भरा है वो देख पाए कि हमने सही टैक्स अमाउंट पे किया है कि नहीं किया है पब्लिक को भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड होती है सो so दैट वो देख पाए कि जो एक बिजनेस है वो सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है क्या वो एनवायरमेंट का ख्याल रख रहा है एसेट्रा एसेट्रा एंड रिसर्चर्स को भी जो है आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड पड़ती है तभी तो नए नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या अकाउंटिंग में नई नई प्रैक्टिस आती हैं मॉडिफिकेशंस आते हैं तो हमसे क्या पूछा गया है आप कोई ऐसे एक्सटर्नल यूज़र का नाम बताइए जिसको मतलब है आपके बिजनेस की लॉन्ग टर्म सोलवेंसी से सोलवेंसी का मतलब क्या होता है कि आप अपने क्रेडिटर्स को लोन को पे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे तो इस बारे में जानना कौन चाहेगा जिसने आपको पैसे दिए हैं जिसने आपको उधारी में सामान दिया है या फिर जिसने आपको लोन दिया है तो यहां पर आंसर क्या होगा यहां पर आपका आंसर होगा बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्हीं को आपकी लॉन्ग टर्म सोलवेंसी से मतलब है को तो सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब होता है मैनेजमेंट को तो पूरे अकाउंटिंग की जरूरत है और रिसर्चर्स को भी खाली इस पॉइंट के बारे में जानने की जरूरत नहीं है ठीक है तो इसी के साथ हमारा जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वो आज कंप्लीट होता है सारे बीस एमसीक्यू हमने देखे और रिवाइज भी किया अब हम देखेंगे कि डीके गोयल की बुक में इसी चैप्टर का अगर कुछ अच्छे क्वेश्चंस हमको मिल जाएंगे तो अगले वीडियो में इस चैप्टर का एम हम डी के की बुक से भी करेंगे ठीक है तो उम्मीद है आपको आज का एम प्लस रिविज़न समझ में आया होगा अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप सब्सक्राइबर हैं और आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए कर लीजिए सो दैट जैसे ही नोटिफिकेशन आए आपको पता चल जाए और आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं कि आपके लिए कौन कौन से यूजफुल वीडियोज़ हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए बाय टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग